तो कहानी की शुरुआत एक बूढ़े आदमी से होती है। उसे देखकर लग रहा था वो बहुत ही घबराया हुआ है। वो उसी की बांध के अंदर जाकर वहाँ पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की कोशिश करता है। तभी उसे लगता है कि वहाँ कोई है और फिर डर के वजह से वो ऊपर चला जाता है। तभी एक आग से जलता हुआ टायर उस आदमी को नीचे गिरा देता है और वो आदमी जलने लगता है। और फिर ठीक एक साल बाद हम एक फैमिली को देखते है जो अमेरिका से नॉर्वे में आए थे अपना क्रिसमस मनाने, और ये लोग उसी बूढ़े आदमी के फैमिली मेंबर थे जिन्हें हमने स्टार्टिंग में देखा था, और वो लोग उसी जगह जा रहे थे। तभी उन लोगों को रास्ते में एक मूस का बच्चा दिखाई देता है और वो लोग कार से उतरकर उसको देखने लगते हैं। लेकिन तभी मूस की मॉम आकर उनका पीछा करने लगती है और इसीलिए वो सब लोग डरकर वापस कार में चले जाते हैं। और तभी वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आती है जिसके सायरन से वो मूस भाग जाते हैं। वो ऑफिसर कहते हैं आप मूस के बच्चे के पास गए, इसीलिए उसकी मॉम उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आप सबका पीछा करने लगी। वो कहती है आप नेचर के आप जाओगे तो वो भी आपको पीछे से जवाब देगा और अपना ध्यान रखना, ये कहकर वो ऑफिसर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो सभी लोग वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ उन्हें आना था और अंदर जाकर पूरे घर को देखने लगते हैं। नोरा कहती है मैं यहाँ ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाली, लेकिन लुकास और बाकी सबको घर काफी अच्छा लगता है। इसके बाद वो सभी लोग उसी बाड़ में जाते हैं जहाँ मूवी की शुरुआत हुई थी। बिली कहता है हमें यहाँ थोड़ी साफ सफाई करने की जरूरत है और फिर हम क्रिसमस यहीं पर सेलिब्रेट करेंगे। लुकास भी दूसरी तरफ जाकर पूरे बाण को एक्सप्लोर करने लगता है। तभी उसे वहाँ किसी के होने का एहसास होता है। उसे भी वहाँ डर लगने लगा था और फिर वो भागते हुए वहाँ आता है और उनसे कहता है देयर इज समथिंग इन द बाण। लेकिन उसकी मॉम डैड उस पर ज्यादा ध्यान ही नहीं देते। वो कहते शायद तुमने कोई जानवर देखा होगा जिसे देखकर तुम डर गए। इसके बाद वो सब रात को नाइट विजन देखकर आनंद ले रहे थे, लेकिन लुकास को कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था, इसीलिए वो अपने रूम में चला जाता है और वहाँ से बाण को देखने लगता है। तभी उसे वहाँ दो चमकती हुई आंखें दिखाई देती है जो बहुत ही डरावनी लग रही थी। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग टाउन में जाते हैं क्रिसमस की खरीदी करने और वहाँ के लोगों को भी देखने लगते हैं। कैरोल, नोरा और बिल अंदर शॉप में चले जाते हैं और लुकास एक छोटे से म्यूजियम में जाकर एल्व्स के स्टेचूज को देखने लगता है। वहाँ कई सारे छोटे छोटे एल्व्स थे। तभी वहाँ एक आदमी आता है टॉर और लुकास को एल्व्स के बारे में बताने लगता है। लुकास कहता है क्या एल्व्स होते हैं? तो टॉर कहता है हाँ होते हैं अगर तुम यकीन करो तो। टॉर कहता है अगर तुम उन्हें अच्छे से ट्रीट करोगे तो वो भी तुम्हें अच्छे से रखेंगे। लुकास कहता है कि उन्हें गुस्सा कैसे आता है? तो आदमी कहता है कि उन्हें उजाले से डर लगने लगता है, उन्हें ज्यादा शोर भी अच्छा नहीं लगता और अगर ये सब उनके आसपास होता रहा तो वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वो दोनों ये बातें कर ही रहे थे तभी कैरोल उनके पास आ जाते हैं और वो लुकास से कहते हैं तुम उस आदमी को मत परेशान करो। वो आदमी कहता है नहीं वो मुझे परेशान नहीं कर रहा बल्कि मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग यहाँ घूमने आए। कैरोल कहते हैं अब हम यहीं रहने वाले हैं। और इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं लुकास अकेले बाण में चला जाता है और वहाँ छानबीन करने लगता है। वही उसे किसी के घुर्राने की आवाज सुनाई देती है और तभी वहाँ उसे कुछ दिखाई भी देता है। वहाँ कोई और नहीं बल्कि एक बहुत ही बूढ़ा एल्फ था जिसकी दाढ़ी मूछे थी और वो काफी छोटा था। लुकास उसे एक कुकी देता है जिसे एल्फ उठाकर खा लेता है। लुकास उसे कहता है मैं यहाँ अपनी फैमिली के साथ आया हूँ और मैं वादा करता हूँ कि हम तुम्हें सुरक्षित रखेंगे। लुकास उसके पास जाने की कोशिश करता है तभी उसके हाथ से टॉर्च नीचे गिर जाती है और एल्फ डर कर छुप जाता है। दूसरी तरफ हम नोरा को देखते हैं। वो अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी और उसे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी कैरोल उसके पास आती है और कहती है तुम देखना तुम्हें यहाँ रहने की आदत पड़ जाएगी, बस कोशिश करो यहाँ रहने की। कैरोल बिल से कहती है काश हमारे दोनों बच्चे यहाँ नए दोस्त बना ले क्योंकि उन्हें अपने ओल्ड फ्रेंड्स की याद आ रही है। वो कहती है हमें ये क्रिसमस अच्छे से मनाना चाहिए। वो कहते हम बाण में एक पार्टी रखेंगे और सभी को इनवाइट करेंगे, जिसके लिए वो दोनों एग्री थे। एल्फ वापस लुकास के पास आता है और कुकी मांगने लगता है जिसे वो दे भी देता है। दे वर सो काइंड टू ईच अदर। दोनों की आवाज सुनकर कैरोल अंदर आ जाती है तभी एल्फ छुप जाता है। लुकास उससे कहता है यहाँ एक छोटा एल्फ था, लेकिन कैरोल उस पर यकीन नहीं करती और फिर ऐसे ही उनकी लाइफ चलती रहती है। वो लोग क्रिसमस की तैयारी कर रहे थे और हैप्पी भी थे। एक रात हम देखते कि बिल ने सब कुछ लाइट से डेकोरेट किया था और एल भी ये सब देख रहा था और तभी लाइट्स ऑन होते ही वो डर जाता है। लुकास कहता है आप ये सब मत करो, बार्न एल्फ्स को ये सब अच्छा नहीं लगता। उसके मॉम डैड कहते हैं बेटा वो सब कहानियों में होते हैं और रियल लाइफ में कोई एल्फ्स नहीं होता। लेकिन लुकास कहता है कि नहीं वो होते हैं और वो लोग हमारे बार्न में रहते हैं। लेकिन वो लोग उसकी बात को इग्नोर करते हैं और अपना डेकोरेशन जारी रखते हैं। अगली मॉर्निंग जब बिल देखता है तो सारे डेकोरेशन को किसी ने बर्बाद कर दिया।
दिया था। वो काफी अपसेट हो चुका था। वो लोग ऑफिसर को भी बुलाते हैं। वो कहते हैं शायद बच्चों ने ये सब किया होगा या फिर वो मोस आए होंगे तुमसे बदला लेने के लिए, और फिर वो वहाँ से निकल जाती है। कैरोल भी बाढ़ में आकर लाइट्स को ठीक करने लगती है। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि एल्फ विल पर एक ड्रम गिरा देता है। लुकस को पता था ये एल्फ ने किया है। वो उससे कहता है तुमने ऐसा क्यों किया, और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद आते है क्रिसमस की रात। उन्होंने सभी टाउन के लोगों को बुलाया था और वो सब खाना खाने के बाद पार्टी एंजॉय कर रहे थे, और ये सब होते हुए एल्फ नीचे से देख रहा था। यस, आई नो कि उसे ये शोर शराबा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन शायद वो किसी मौके की तलाश में था। कैरोल नोरा के पास आकर बातें करती है। उसे पता चल गया था कि उसने अल्कोहल लिया है, और फिर नोरा वॉमिटिंग करने लगती है सीधा एल्फ के चेहरे पर। तभी लुकस म्यूजिक ऑफ कर देता है और कहता है पार्टी इज ओवर, तुम लोग एल्फ को अनकंफर्टेबल फील करवा रहे हो। कैरोल नोरा को डांट रही थी क्योंकि उसने ड्रिंक किया था, लेकिन नोरा उसे पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो उसकी स्टेप मदर थी। वो उसका फोन भी ले लेती है। हम देखते हैं टोर लुकस से बातें करने आता है। वो कहता है उस दिन मैंने एल्फ्स के बारे में बस ऐसे ही बता दिया था, लेकिन लुकस कहता है नहीं एल्फ्स होते हैं और शायद वो लोग हमसे गुस्सा होंगे। इसलिए टोर कहता है ठीक है, तुम उनके लिए एक बॉल में राइस को पीस कर उसमें थोड़ा बटर मिक्स करके अपने बाण में रख देना, उसे खाने के बाद वो एल्फ हैप्पी हो जाएगा। हम देखते हैं एल्फ सच में काफी गुस्से में था। वो घर में आकर उनके पूरे सामान को तोड़फोड़ करने लगता है। वो सभी लोग शोर सुनकर नीचे आ जाते हैं चेक करने के लिए। बिल देखता है सब कुछ टूट चुका था, और इसीलिए वो अपने हाथ में एक नाइफ उठा लेता है और देखने लगता है। तभी पीछे से आकर एल्फ उसे मारकर बेसमेंट में गिरा देता है। कैरोल भी बिल को ढूंढते हुए नीचे चली जाते हैं, और वो भी काफी घबराई हुई थी। एल्फ आकर उसे भी हैमर से हिट करने ही वाला था कि तभी लुकस आकर लाइट्स ऑन कर देता है, जिससे एल्फ वहाँ से चला जाता है। उन्होंने ऑफिसर को फिर से बुला लिया था, लेकिन उसे भी नहीं लग रहा था कि ये किसी चोर का काम है। वो कहती है शायद कोई लोमड़ी खाने की तलाश में विंडो से अंदर आई होगी और उसी ने सब कुछ गिरा दिया होगा। वो कहती है ज्यादा टेंशन मत लीजिए, आप शांति से अपना क्रिसमस एंजॉय कीजिए, मैं ध्यान रखूंगी, और वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग लुकस बड़े ही प्यार से राइस ग्रेवी बना रहा था एल्फ के लिए, ताकि वो उनसे नाराज ना हो। बिल भी उन सभी के लिए जेली फिश कुक करके खाने के लिए कहता है, लेकिन उस फिश की स्मेल किसी को अच्छी नहीं लगती। और तो वहाँ हो रहे हादसे की वजह से कैरोल का भी मूड काफी बिगड़ा हुआ था, और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। कुछ टाइम बाद लुकस किचन में जाता है, लेकिन वो देखता है कि बिल ने वो राइस ग्रेवी खा लिया था जो एल्फ के लिए बनाया था। लुकस कहता है अब मैं एल्फ को क्या खिलाऊंगा, लेकिन बिल उस पर कहाँ यकीन कर रहा था। वो उसे माफी मांगकर वहाँ से चला जाता है। अब लुकस के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए बिल की बनाई हुई फिश एल्फ के पास ले जाता है और इसे बाण में रखकर चला जाता है। पर फिश का इतना बुरा टेस्ट होने के कारण एल्फ काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो जोर से चिल्लाता है। हम देखते हैं एल्फ बहुत गुस्से में था, और वो एक हैमर को लेकर बाहर आता है। वहाँ बिल का दोस्त भी सांता बनकर आया था, उसे बिल ने बुलाया था ताकि बच्चों को सरप्राइज दे सके। तभी उसे वही एल्फ दिखाई देता है, लेकिन वो उसे लुकस समझकर उसके पीछे चला जाता है। वो देखता है कि एल्फ जोर जोर से दीवार पर हैमर मार रहा था। एल्फ काफी गुस्से में था, वो पीछे मुड़ता है और फिर से हैमर को दीवार पर हिट करता है, जिससे जमी बर्फ की लुकीली परत उसके मुख के आर पार हो जाती है। बिल अपने दोस्त का वेट कर रहा था, इसलिए वो बाहर जाता है चेक करने के लिए। उसे वहाँ उसके लाए हुए गिफ्ट दिखाई देते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं दिखाई देता। तभी उसे बाण के पीछे शोर सुनाई देता है और वो चेक करने चला जाता है। वहाँ देखने पर उसे अपने दोस्त की लाश टंगी हुई दिखाई देती है, और वो तुरंत आकर सबसे कहता है जल्दी निकलो यहाँ से, हमें अब भी निकलना होगा। इसलिए वो सभी तुरंत कार में आ जाते हैं, लेकिन उनकी कार भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। बिल उन्हें कुछ भी बता नहीं पा रहा था। तभी एल्फ उनकी कार पर आ जाता है और शीशे को तोड़ने लगता है। वो सभी बहुत डर जाते हैं। तभी कैरोल उस पर पानी छिड़क कर उसे नीचे गिरा देती है, और लुकस के कहने पर लाइट्स ऑन करती है, जिससे वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। कैरोल कहते है लुकस सही कह रहा था, ये एक एल्फ है। बिल कहता है ये कोई बच्चा होगा जो घर से भाग गया होगा। कैरोल कहते है तुम्हें उसकी बियर नहीं दिखाई दे रही। तभी एल्फ फिर से अपनी आंखें खोलता है और वो जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज काफी दूर तक जा रही थी। हम देखते हैं वही बाण से और भी एल्फ बाहर आते हैं, और उन सभी के हाथ में वेपन्स भी थे। ये देखकर वो सभी लोग डर जाते हैं और फिर से घर में आ जाते हैं। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो सभी एल्फ भी घर के अंदर आ जाते हैं और उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। वो एल्फ नॉर्वेजियन लैंग्वेज में बोल रहे थे, लेकिन बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एल्फ सभी लोगों को मार रहे थे। वो बहुत ही खतरनाक
चालक लग रहे थे। वो लोग किसी तरह अपने आप को बचा रहे थे ऑफिसर के आने तक। जी हाँ, उन्होंने ऑफिसर को इन्फॉर्म कर दिया था। वो नोरा को मारने ही वाले थे लेकिन वो बच जाते हैं। हम देखते हैं उसे एल्फ ने लुकस को घेर लिया था और वो बाकियों से कुछ कह रहा था। लुकस भी अपनी गलती के लिए माफी मांगता है कि उसे वो खाना उसे नहीं देना चाहिए था। और तभी नोरा बेसबॉल उठाकर उन सभी को हिट करने लगती है। लुकस भी उस एल्फ को अपना प्रॉमिस याद दिला रहा था कि मैं तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तभी वहां नोरा आकर उस एल्फ के बियर्ड में आग लगा देती है और वो एल्फ दौड़ते हुए विंडो से कूद जाता है। लेकिन अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। वो एल्फ उन पर जानलेवा हमला करते हैं। वो उन्हें मारने वाले थे। उसी वक्त ऑफिसर आ जाती है और उसकी स्कूटी की रोशनी गिरते ही वो सभी एल्फ छुप जाते हैं। वो सभी लोग ऑफिसर को देखकर चैन की सांस लेते हैं और सब कुछ उन्हें एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन वो कहती है कि एल्फ नहीं होते, वो तो बस फेरी टेल्स में होते हैं। वो लोग उसे काफी समझाते हैं। एल्फ से बचने के लिए वो लोग ऑफिसर से गन मांगते हैं लेकिन ऑफिसर कहते हैं गन तो स्कूटर में ही है। वो कहती है आप बस शांत रहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा और वैसे भी आज क्रिसमस ईव है तो मैं भी घर जाना चाहती हूँ। और वो बाहर आ जाती है। ऑफिसर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि एल्फ उसकी स्कूटर चला रहे थे, वो भी बहुत ही अजीब तरीके से। वो स्कूटर ऑफिसर पर चढ़ा देता है और उसे ही बड़ी ब्रूटल तरीके से मार देता है। एल्फ स्कूटर को बाण में घुसा देता है जिससे ऑयल लीक होने लगता है। हम देखते हैं उसके हाथ गन भी लग चुकी थी और वो उसी से एक एल्फ को शूट कर देता है और फिर अपने आप को भी शूट कर देता है। पागल एल्फ कैका, कैरोल और बिल को काफी चोटें आई थी। वो सभी एक कमरे में बंद थे। बिल कहता है सब मेरी गलती है, मुझे डैड की डेथ के बाद यहाँ नहीं आना चाहिए था। और वो अपने आप को ही ब्लेम कर रहा था। एल्फ भी सारे घर में शोर कर रहे थे, वो लोग शराब भी पी रहे थे। तभी लुकस को उस आदमी टोर का ख्याल आता है। वो कहता है हम उन अंकल टोर की मदद ले सकते हैं, उनका घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। और तभी लुकस और बिल पीछे के रास्ते से निकल जाते हैं। वो लोग चुपके से एक आइस स्लाइड लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन एल्फ भी कम नहीं थे, वो लोग भी उनका पीछा करते हैं और तेज धार वाली चीज उन पर थ्रो करते हैं। लेकिन बिल भी किसी तरह अपने आप को बचाता है। यहाँ नोरा और कैरोल भी मिलकर एक प्लान बनाते हैं और कुछ अल्कोहल मिलाकर बम के गोले बनाते हैं जिन्हें वो लोग उन एल्फ के पास फेंकते हैं और फिर वहाँ एक ब्लास्ट होता है और फिर लोग ऐसे ही बम फेंकते जाते हैं। हम देखते हैं वो एल्फ अभी भी उनका पीछा कर रहे थे। तभी रास्ते में मोस खड़ा था जिसे देखकर बिल रुक जाता है और एल्फ आगे निकल जाते हैं। और तभी एक ट्रक आकर उन्हें उड़ा देता है। हम देखते हैं कैरोल और नोरा भी बैठकर बात कर रहे थे। उन्हें लगता है कि शायद अब वो लोग बच जाएंगे लेकिन नहीं, वो एल्फ चिमनी के रास्ते से अंदर आने लगते हैं। कैरोल नोरा से कहती है तुम यहाँ से निकल जाओ और मदद बुला कर लाओ और वो बाहर जाकर भागने लगते हैं। लेकिन एल्फ उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। कैरोल भी उनसे लड़ रही थी लेकिन वो लोग उसे हरा देते हैं। नोरा भागते हुए मिड जंगल में पहुंच जाती है। उसे वहां भी कई सारी आंखों की रोशनी दिखाई देती है और फिर वो लोग उसे भी खींच लेते हैं। तभी कैरोल को नोरा की आवाज सुनाई देती है और फिर वो एल्फ को धक्का देकर उन्हें भी मार देती है। यहाँ लुकस और बिल टोर के घर पहुंच चुके थे। वो उससे मदद मांगते हैं और उसे भी एल्फ के बारे में बताने लगते हैं। तभी उसी के फोन पर कैरोल का कॉल आता है। वो बिल से कहते हैं कि वो लोग नोरा को ले गए और फिर कैरोल की भी चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वो लोग भी वहाँ पहुंच जाते हैं। टोर देखता है कि वो लोग झूठ नहीं बोल रहे थे, एल्फ सच में थे। इसके बाद वो लोग एल्फ का पीछा करते हुए बाण में चले जाते हैं और वहाँ से एक सुरंग में आ जाते हैं। टोर कहता है कि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, एल्फ्स और ह्यूमन सालों पहले साथ में रहते थे लेकिन अब देखो सब कुछ बदल चुका है। बिल भी कहता है हाँ अब तो ये लोग ह्यूमंस को ही खत्म कर देते हैं। वो लोग उसी रास्ते से जंगल के बीचों बीच आ जाते हैं। वहाँ उन एल्फ्स के घर थे, उन्होंने कैरोल और नोरा को बांध के रखा था। बिल और बाकी सब उनके पास जाते हैं और उन्हें छुड़ाने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ बूढ़ा एल्फ आता है, उसके पास गन थी और वो कुछ बोले जा रहा था। तभी टोर नॉर्वेजियन लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो एल्फ उसे भी शूट कर देता है। हम देखते हैं वही एल्फ उनको देख रहा था जो लुकस को जानता था और जिसकी वजह से ये सब एल्फ आए थे। लुकस उसे समझाता है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें सेफ रखूंगा, इसीलिए उस एल्फ को लुकस पर दया आ जाती है और वो उसकी मदद करने लगता है। वो सभी वापस उसी रास्ते से बाण में आ जाते हैं लेकिन एल्फ ने भी उन्हें घेर लिया था। वो बूढ़ा एल्फ उस अच्छे एल्फ को भी मारने की कोशिश करता है लेकिन गोली खत्म हो चुकी थी इसलिए उन्हें ऊपर चढ़ने का मौका मिल गया था। नोरा नोटिस करती है कि वहाँ हर जगह ऑयल गिरा हुआ है। तभी उसे आइडिया आता है और वो एक कागज का एरोप्लेन बनाकर उसमें आग
आग लगा देती है और वही फ्लाई करती है जहाँ ऑयल गिरा हुआ था। और फिर तभी एक धमाका होता है जिससे सारे एल्स मारे जाते हैं और पूरे बाण में आग लग जाती है। वो सभी लोग बच जाते हैं। हम देखते हैं टोर भी जिंदा था। वो कहता है, मैंने इनसे बात की, ये सभी लोग बस शांति से जीना चाहते हैं और बस कुछ नहीं। लास्ट सीन में हम देखते हैं लुकस को भी उस एल्फ पर दया आ रही थी, इसीलिए वो उस एल्फ को टोर के म्यूजियम में रहने के लिए जगह दे देता है और सभी लोग शांति से रहने लगते हैं। और यही पर होते हैं हमारी मूवी की एंडिंग। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।